नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जेल से रिहाई बेशक मिल गई है, लेकिन उनकी परेशानियां अभी भी खत्म नहीं हुई हैं। आर्यन खान का कल 12 नवंबर को जन्मदिन था, लेकिन वो अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट नहीं कर पाए। कल आर्यन खान को NCB ने पूछताछ के लिए मुंबई स्थित दफ्तर बुलाया था, जिस वजह से वो सही ढंग से अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं कर पाए। जन्मदिन के दिन NCB ने आर्यन खान से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। वो करीब 4:45 के करीब पूछताछ के लिए नवी मुंबई NCB दफ्तर पहुंचे थे। फिर रात को करीब 11:36 पर आर्यन खान वहां से निकले। पूछताछ के दौरान आर्यन खान के वकील भी साथ ही मौजूद थे। वही आर्यन खान के नहीं होने की वजह से मन्नत में भी सन्नाटा पसरा रहा। आपको बता दें कि आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट ने 1,00,000 के मुचलके पर जमानत दी है, लेकिन उसके साथ ही 14 शर्तें भी रखी हैं, जिसके तहत इस हाई प्रोफाइल क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में जमानत पर रिहा हुए आर्यन खान को हर शुक्रवार NCB के दफ्तर में जाकर हाजिरी लगानी होती है। वहीं आर्यन खान देश से बाहर भी कहीं नहीं जा सकते। इसके लिए आर्यन खान को अपना पासपोर्ट भी NCB को जमा कराना पड़ा है। 14 शर्तों में एक शर्त यह भी है कि आर्यन खान भविष्य में किसी ड्रग्स से जुड़ी गतिविधियों का हिस्सा नहीं बनेंगे। वहीं कोर्ट ने उनके और सह आरोपियों की मुलाकात पर भी रोक लगा रखी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।